डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला के 36 कन्वोकेशन के अवसर पर हमारे मध्य में अभी आप जिनको सुन रहे थे, मुझे लग रहा था आप सुन ही नहीं रहे थे बल्कि उनको ध्यान से सुन रहे थे, और ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे बल्कि ये भी सोच रहे थे कि हम भी गडकरी जैसे कैसे बने। तो ऐसे हमारे आदर्श केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर विलास वाले जी आज प्रमुख रूप से बोलने वाले, पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर अमल मैदान जी, कुल सचिव जी, सभी प्राध्यापकगण, मैनेजमेंट के सदस्यगण, अभिभावकगण, और आज जिन सबको डिफरेंट डिग्री पदवी मिली है, ऐसे सभी छात्र छात्रागण, मैं सबसे पहले आज जिन लोगों को अलग अलग डिग्रीज मिली है, पदवी मिली है, उन सब का अभिनंदन करता हूँ। आई कंग्रेचुलेट यू ऑल एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब पंजाब राव देशमुख के नाम से ये विश्वविद्यालय है, विद्यापीठ है, और देशमुख जी इस देश के पहले कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और इस देश में कृषि को बढ़ाने का उनका अपना योगदान रहा है, और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी के आप सब छात्र छात्राएं हैं। और आज हमारे देश के अंदर अभी जो लास्ट में गडकरी साहब ने कहा कि किसान आत्महत्या करता है, मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं सुनता था कि बॉम्बे भारत की फाइनेंशियल कॉमर्शियल कैपिटल है, और बॉम्बे महाराष्ट्र में है, बॉम्बे इंडस्ट्रियलाइज इस प्रकार का प्रदेश है, उसके बाद भी यहाँ का किसान आत्महत्या करता है, ये मुझे समझ में नहीं आता था। पर जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि मैं आते ही आते, यद्यपि मेरे आधे दिन बारिश थी और तब से हर साल बारिश हो रही है, और जिस दिन मैं यहां छोड़ के जाऊंगा उस दिन भी बारिश होगी, लेकिन उससे पहले यहां दुष्काल। पहली बार मैंने शब्द सुना नितिन जी कि दुष्काल क्या शब्द है, हमारे अकाल बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, दुष्काल है। मेरे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, सारे किसान हमको कंपनसेशन दो, फला दो, क्या हमने दिया, किसान खुश हो गया, अलग विषय है। लेकिन मैं ये विषय आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि आप सब छात्र छात्राएं यहां जब अध्ययन करते हैं तो हम सोच के क्या आते हैं। मेरे गांव वाले, जब मैं पढ़ लिख करके मैंने कोई नौकरी फोकरी नहीं की, समाज के काम में लग गया, तो पहले तो कहते थे पागल है साला, इतना पढ़ाई लिखाई की, इंग्लिश से एमए किया, अब जो है कुछ करता ही नहीं है। तो बाद में जब देखा कि नहीं, जिस काम में मैं लगा उसका देश में यश फैल रहा है, मेरे को भी लोग मानने लग गए हैं, तो सब मेरे पास आते, अरे बहुत अच्छा है। तो वो कहते थे यार तुम जब बहुत छोटे थे ना, हम तुझसे पूछते थे अरे भगत क्या बनेगा, तो बोले तू 3-4 में पढ़ता होगा, तू कहता था कि मैं समाज सेवा करूंगा। अब कैन यू थिंक, आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ और ए बॉय ऑफ इंटीरियर विलेज, जहां आज भी गाड़ी नहीं जाती, मेरे घर में मोटर नहीं जाती, थोड़ा दूर से जाना पड़ता है। तो ये शब्द मैंने इसलिए कहा कि आफ्टर ऑल अभी प्रोफेसर मदान कह रहे थे
कि ड्रीम, सपना। आजकल सपना क्या देखते हैं हम लोग? हम विज्ञान पढ़ें, कृषि विज्ञान पढ़ें, फिलोसॉफी पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, हम एक ही चीज सोचते हैं क्या करना है। हमारे गार्जियन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बेटा बेटी आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। और मैंने देखा कि मेरे समय में, आई एम टॉकिंग ऑफ लॉन्ग अबाउट सम 50 years back, कुछ लड़के लड़कियां तो एक बार, दो बार, तीन बार आईएएस पीसीएस ब्राइट स्टूडेंट्स कोशिश करते और जब नहीं निकलते तो पागल हो जाते। अब ये कौन सा लक्ष्य है भाई कि आप केवल इस लाइन पर सोचो कि मुझे तो नहीं, बढ़िया से बढ़िया नौकरी करनी। मैं नहीं कह रहा कि नौकरी मत करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छी नौकरी मत ढूंढो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्हाट इज अवर एम? जीवन का एम क्या है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि श्रवण कुमार कैसे मातृभक्त, मातृपितृभक्त था। वो हमको सिखाया जाता था कि बच्चों माता पिता के भक्त बनो। हरिश्चंद्र की कहानी, श्रवण कुमार की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ये कहानियां हमको बताई जाती थी। क्यों बताई जाती थी? उस कहानियों के माध्यम से वो हमारे अंदर ये इनकलकेट करते थे कि तुमको एक आदर्श नागरिक बनना है, एन आइडियल सिटीजन यू हैव टू बिकम। क्या हमने कभी सोचा कि आर वी आइडियल सिटीजन्स? आर वी गोइंग टू बी द आइडियल सिटीजन्स? अब आपके सामने नितिन गडकरी साहब है, आप इनको किसी विषय पर बोलिए, मैं तो भाषण दे सकता हूं, खुद तो एक घंटा बोल सकता हूं, आपके सामने दो घंटा भी बोल सकता हूं, पर काम करना हो, सीखना हो तो जरा नितिन गडकरी के पास जाओ। और इसलिए नितिन जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि अपने हाथ से इस विश्वविद्यालय में मैं आपको ऑनररी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर दे रहा हूं। यदि मेरे पास कोई और बड़ी चीज होती, वो है तो नहीं, दिखती नहीं है, पर उससे बड़ी चीज मेरा दिल है, वो भी आपको समर्पित है। सीखने के लिए आज लोग कहते हैं हु इज योर आइकन, हु इज योर मॉडल, और आपके सामने तो सामने बैठे हैं ना, आपको कोई इंग्लैंड अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, कोई वो स्वामीनाथन को या क्या है वो बोरकर क्या थे, उनको देखने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट सी, अभी वो बोले कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पावर आप लोगों को कहा है, तो मैंने आपके वीसी साहब से कहा है कि मैं अपने राजभवन में, मैंने बहुत प्रयोग कर रखे हैं वहां, अभी नितिन जी आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बहुत से वो यहाँ नहीं बोलने का टाइम नहीं है, परंतु मैंने वहां प्रधानमंत्री के सामने कहा, अभी उद्घाटन करने आए थे मेरे यहाँ, मैंने कहा अगले 2 महीने के अंदर मैं राजभवन में 500 किलोवाट का ग्रीन हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो ये क्या है कि हम सब लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं? अगर ये सीखना हो, ये आपको बता सकता हूं, या तो नरेंद्र मोदी को देखो या फिर सामने नितिन गडकरी, वहां तुम पहुंच नहीं पाओगे, ये रात दिन आपके पास है, और इनके प्रयोग देखो, जाने क्या क्या प्रयोग करते रहते हैं। ये कोई किसान नहीं है ऐसे मेरी तरह से कि एक गरीब किसान के बच्चे नहीं है, लेकिन कृषि के अंदर इनकी मास्टरी। समटाइम्स इवन योर प्रोफेसर विल फील अशेम्ड कि भाई ये मैन हु हैज नथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर, ही हैज डन सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स, सो मेनी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स। अभी बायोस्फीयर, अभी बायोस की सब बातें कर रहे थे और सारी बातें बोल रहे थे, हाउ इज इट, कैसे कर लिया उन्होंने? डिटर्मिनेशन, विजन, थिंकिंग। अब क्या हुआ, कुछ करो तो क्या कहा, क्या करें साहब, पढ़े लिख लिया, नौकरी नहीं मिलती है,
जो बोलो नौकरी नहीं मिलती है। अब बताओ इतने यहां पर आपके पीएचडी पैदा हो गए, अब पहले तो लड़के लड़के मुल्का मुल्का, अब तो सारी मुल्की भी पीएचडी हो गए हैं। अब भाई इतने को कहां मिले को, मेरे को नाराज हो रही अर्चना, हमारे हमारे बच्चों को मना क्यों कर रहे हो है? देखो हमारे हिंदी में नितिन जी एक घाघ कभी हुए हैं, घाघ वो ग्रामीण कवि थे, ग्रामीण तो घाघ कवि, वो घाघ कवि कह गए हैं, वो सम 400-500 years back जब ऐसे रामदास जी, ज्ञानेश्वर जी, तुलसीदास जी हुआ करते तब के घाघ कवि है। तो घाघ कवि कहते थे उत्तम खेती मध्यम बांध निकृष्ट चाकरी भीख निदान। कैन यू अंडरस्टैंड, समझते हो विषय को? उत्तम खेती जो सेती है, एग्रीकल्चर है, ये सबसे उत्तम है, the best है। उसके बाद क्या है, what is next? खेती के बाद क्या है, कृषि के बाद बान, बान माने बिजनेस। बोले खेती सबसे बढ़िया है और यू आर ऑल फॉर्चुनेट इनफ, यू आर द स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कितने सौभाग्यशाली हो। मध्यम बान उसके बाद कौन सी चीज है, उसके बाद बिजनेस सेकंड चीज है, निकृष्ट चाकरी जिसको आज लोग सर्विस कहते हो, नौकरी कहते हो, आप बुरा मत माना प्रोफेसर लोगों, वो कह गए कि ये तो निकृष्ट है, बेकार है, खत्म है। और उसके बाद और उससे भी खराब क्या है, भीख निदान। और बोले भीख मांगना तो मरने के समान है। वो किसान था, गांव का आदमी था, आपके गांव में भी ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके पास जाओ सुनो। मुझे कभी कभी, मैं गांव जाता था पढ़ने दिनों, ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे गांव वाले, जिसने अ सीखा न क सीखा न ब सीखा न ये सीखा न बी सीखा। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक जीवन भी प्रैक्टिकल। तो ये जो कहती है ये सबसे उत्तम है। और महाराष्ट्र में तो आप कितने ही चीजों में आगे हैं। आपके यहां का कांदा, प्याज, ओनियन, कांदा बोलते हैं ना, कांदा ओनियन कहां नहीं जाता है देश भर में। आपके यहां का दाड़िम अनार, दाड़िम बोलते हो तुम लोग, अनार वो कहां नहीं जाता है। तो एक से एक चीजें यहां पर हैं, अच्छी चीजें हैं, पर बगल में किसान आत्महत्या भी करता है। हमारा संकल्प होना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप आईएएस मत बनो, आईपीएस न बनो, बनिए, अच्छे लड़के अच्छे लड़कियां जाएंगे तो देश को अच्छा बनाएंगे। अब लड़के तो कम ही निकलते हैं, लड़कियां निकलते हैं आजकल, ओनली गर्ल्स इन आईएएस, फर्स्ट गर्ल, सेकेंड गर्ल, थर्ड गर्ल, ऐसी है ना, आईएएस में इस बार ऐसे तो आना, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, ऑल गर्ल्स। क्या कभी किसी ने सोचा था, ये मदान साहब ने सोचा होगा जब इनके साथ लड़कियां पढ़ती थी कि ऐसा हो जाएगा करके। आप इतना आप आगे बढ़ रहे हो, एडवांस लाइक एनीथिंग। लेकिन हम कृषि के विद्यार्थी हैं, कैसे कर सकते हैं? पिछले दिन आपने पढ़ा होगा, 2-3 साल पहले हरियाणा की एक लड़की हार्वर्ड से उसने एमबीए किया, वहां पढ़ा रही थी, वहां छोड़ करके गांव आई और गांव आकर के गांव की सरपंच बन गई और सरपंच बन के गांव का उद्धार कर रही है। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ कर सकते कि जिसके माध्यम से हमारा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज के इस दीक्षांत समारंभ से एक ऐसा अमृत तो निकला है। मैं कोई आपसे हाथ खड़ा नहीं करवा रहा हूं, आई वुड नॉट स्पीक टू रेज योर हैंड्स, लेकिन संकल्प करो कि इस अमृत महोत्सव में
इस विदर्भ के अंदर हम अमृत पैदा करेंगे। आप लोग कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा इच्छा चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नितिन जी। मैं बहुत से यूनिवर्सिटीज में गया हूं और सारी यूनिवर्सिटीज में आप लोगों में से कि मैंने काम देखे, कोई ड्रोन बना रहा है, कोई लेटेस्ट जो है अपना इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पर कोशिश करिए। मेरे एक मित्र है, वो भी राज्यपाल है, वो एक का महाविद्यालय चलाते थे कुरुक्षेत्र में। वहां उन्होंने एक गाय के गोमूत्र से एक एकड़ की पूरी खेती करवा दी। उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, जो पराली है सक्रबल क्या कहलाता है, वो जलाते ही नहीं, उसको जमीन के नीचे रखा, उसी गोमूत्र से उसको किया और उसी में से खेती पैदा कर दी। आज सारे हिमाचल के किसान मुझसे बोले कि साहब ये हमारे वेदव्रत आचार्य जी ने तो हमारे यहां क्रांति ला दी है। आज मैंने देखा गुजरात का स्टेट, प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन करने गए प्राकृतिक खेती के लिए, और वो तो कोई कृषि के वैज्ञानिक थे ही नहीं, हमारे आचार्य जी संस्कृत के आचार्य है, लेकिन मन के अंदर इच्छा कि हमको फर्टिलाइजर नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है हमारे ये जो वैज्ञानिक है बोलेंगे कि उससे उत्पादन कम होगा, ये लोग कहते हैं ऑर्गेनिक में उत्पादन कम हो जाता है, मे बी दैट मे बी ट्रू, मैं नहीं कहता हूं कि सही नहीं है, परंतु आखिर जो मृदा की जो सॉयल की जीवन है वो तो नेचुरली में पैदा होगा ना आगे, या अननेचुरल में होगा? आप और हम नेचुरल खाना खाएंगे तो अच्छा होगा, या कि रोजाना नूडल फुडल खाते रहोगे तो अच्छा रहेगा? जो नेचुरल है उसका एक आनंद ही अलग है। ऐसे धरती का सॉइल का है, इस सॉइल को मृदा को हम कैसे बचाएं? एक जो साइंस से संबंध नहीं, कृषि से संबंध नहीं, वो हमारे गुजरात के राज्यपाल जी ने काम करके दिखाया। हम भी कर सकते हैं, मैं आपके प्रोफेसर से कहता हूं, सारे यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं कहता हूं कि भाई कोशिश करो, तुम भी अपने बच्चों को समझाओ, किसानों को समझाओ कि जिसके कारण से हमारी जमीन बची रहे, उसकी उत्पादकता बढ़ती रहे, खत्म न हो, तो ऐसे हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सब लोगों ने कुछ सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ अच्छे लोग हैं, कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी विशेषता ऐसी है ना, मुझे लोग कहते हैं कोश्यारी जी आप उत्तराखंड पहाड़ से आए हो, आपको ये महाराष्ट्र कैसा लगता है? तो मैं कहता हूँ ये महाराष्ट्र मुझे बिल्कुल अपना उत्तराखंड जैसा लगता है, और यहाँ के लोग नितिन जी देखो ना, इतने बड़े आदमी कितने सरल लगते हैं, कहीं आपने देखा है इनमें कोई कि आर्टिफिशियलिटी है, कोई दंभ है, कोई गर्व है? लगता ही नहीं कि वो आदमी इतना बड़ा आदमी है। ये मिस्टर मदान प्रोफेसर, ये महाराष्ट्र की विशेषता है कि लोग यहाँ इतने सरल है, मेरे पहाड़ के जैसे। मैंने कहा मुझे महाराष्ट्र बहुत अच्छा लगता है, परंतु मेरे पहाड़ में उत्तराखंड में सब कुछ है लेकिन समुद्र नहीं है। तो बोले महाराष्ट्र में क्या कमी है? तो मैंने कहा महाराष्ट्र में सब कुछ है, यहाँ हिमालय नहीं है। अरे इतना सुंदर प्रदेश, और उसके बाद यदि आत्महत्या करें किसान, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी रखा है, और आज आपने गडकरी साहब से भी कहा मैंने कि 40 साल से काम चल रहा है, योजना पूरी नहीं हो रही है, आप लोग आवाज उठाइए। प्रधानमंत्री जी घर घर पे बाई टेप नल के द्वारा पानी देना चाहते हैं, वो होगा, थोड़ा आप उठिए, आपकी आवाज उठाने के लिए आदरणीय गडकरी साहब यहां पर हैं। ये जैसे रोड बनाते हैं ना,
जहां कुछ नहीं, मैं भी इनसे कह रहा था, अरे भाई मेरे यहाँ तुमने 8 घंटे के, दिल्ली से 8 घंटे जाने में लगते 4 घंटे में तुमने यात्रा कर दी है, अब वो 2 घंटे की यात्रा क्यों कर रहे हो? उसके बजाय ये जो तुम्हारा रुपया है वो महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी दे देने लगा दो। आखिर यहां पानी चाहिए, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। और मुझे लगता है आप लोग, मुझे आपके वीसी साहब ने यहाँ की रिपोर्ट भेजी थी कि इन्होंने यहाँ बहुत से फंड बना रखे हैं, गांव में बना रखे हैं, शायद रिपोर्ट में लंबा नहीं जाऊंगा, उस पर मुझे दे रखी थी रिपोर्ट, अभी बोल भी रहे थे, तो अच्छा काम कर रखा है, क्यों नहीं करते? तुम्हारे यहाँ वो जलयुक्त शिवार, यही ना, यही नाम है ना उसका, वो जलयुक्त शिवार की योजना इतनी अच्छी योजना है। अरे काम छोटा दिखता होगा पर ये छोटा काम बहुत बड़ा है। ऐसे काम को करके हम अपने प्रदेश, अपने देश, मूल रूप से अपने गांव का भला कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में यदि आप लोगों ने चिंतन किया तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ हमारे मित्र मेरे नितिन जी, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर हिंगमरे, वो मेरे पास आए, बोले साहब जीआई टैगिंग, मैंने उनको उत्तराखंड भेजा और वो गोमुख गए साइंटिस्ट बच्चों को लेकर के, अब वो गोमुख के पानी को भी जीआई टैगिंग करा रहे हैं। मैं जलगांव में था, जलगांव में केला बहुत होता है, वो मेरे पास जलगांव के किसानों को लाए थे, किसान बोले इतनी बड़ी केले की वो है? बोले गवर्नर साहब, बोले पहले जो दाम हमको मिलते थे केले के, अब चौगुने दाम मिलते हैं, हम सीधे ब्रिटेन केला भेज रहे हैं। अब जलगांव के किसान भेज सकते हैं तो अकोला के किसान क्यों नहीं भेज सकते हैं? तो जीआई टैगिंग कैसे हो, किस प्रकार के पेटेंट हो, इस दिशा में आप लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके खूब पैदावार हो गए तो नरेंद्र मोदी जी ने और नितिन गडकरी ने आपके लिए किसान रेल, किसान रेल ही नाम है ना, किसान रेल चला रखी है, आपके गांव से जो नजदीकतम रेलवे स्टेशन है वहां आपका सामान पहुंचेगा, सीधे कलकत्ता दिल्ली जहां था वहां पहुंचेगा, आपको उससे बढ़िया दाम मिलेंगे। प्रयास किया जा रहे हैं, सरकार कर रही है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ तय करें। ये मैंने इसलिए बोला कि हम सब लोग युवा हैं और अब कुछ करना होगा, कोई मेरा जैसे 80 साल का बुढ़ा करेगा या आप करोगे, कौन करेगा बोलो, कौन करेगा, बुढ़ा मैं करूंगा या आप करोगे बोलो ना, अरे हम करेंगे नहीं बोलोगे, कौन करेगा, मराठी में बोल दो ना, हाँ ऐसे बोलो, हाँ तो ये आप सब करेंगे और ये करके आपने दिखाया तो मुझे लगा कि मेरा और आदरणीय नितिन जी का आपके बीच में आना सफल हुआ है। और मैं चाहूँगा आप सब लोग आगे प्रगति करें, अच्छी उन्नति करें, आपको ईश्वर पूरा आशीर्वाद दे। मैं आपके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, तुलजा भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के विद्यापीठ के मेरे छात्र छात्राएं दुनिया में नाम कमाएं और यहाँ समृद्धि लाएं। वो समृद्धि मार्ग बना रहे हैं गडकरी जी और फडणवीस, आप समृद्धि मार्ग नहीं, यहाँ समृद्धि ले आओ, ये आपके हाथ में है, आप लोगों के माध्यम से समृद्धि आएगी, मेरा भारत दुनिया में ऊंचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फसायल दाना ने 36